और आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं। इस वक्त कोलकाता में अमित शाह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं प्रेस क्लब में मौजूद हैं कोलकाता के। अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, पार्टी के नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और कल वो नक्सलबाड़ी गए थे जहां पर एक किस्म से शंखनाद कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सियासत की। और आज बीजेपी के लिए एक अहम दिन क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी शानदार जीत, और यहां पर आप अमित शाह को देख पा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है अमित शाह का। आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरा बंगाल का कार्यक्रम बहुत समय से निर्धारित था, आप लोगों से बात करना भी निर्धारित था, मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं तो प्रेस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी। और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया था। ये मेरा जो प्रवास है वो दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पूर्ण समय बूथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। बूथ में भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार करने के लिए काम करने वाले हैं और उसी के तहत मैं भी 15 दिन के लिए बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात में 3-3 दिन कर 15 दिन तक काम करने वाला हूं। कल मेरा 1 दिन का प्रवास हुआ,
बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। पहले हम मानते थे, पूरा देश मानता था, कि वामपंथियों के शासन के बाद बंगाल में विकास की शुरुआत होगी, मगर ये 6-7 साल के कार्यकाल में भी बंगालवासियों को निराशा प्राप्त हुई। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश के विकास में हिस्सा 25% था, वो आज घटते 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 4% पर स्थित रह गया है। यही बताता है कि पहले कम्युनिस्टों के शासन में और अब तृणमूल के शासन में बंगाल तेजी से विकास में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहा है। कम्युनिस्टों ने जब शासन छोड़ा तब 1,92,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर था, और आज की अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर हो गया है। तो ऋण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, भ्रष्टाचार कहीं अटकने का नाम नहीं देता है, सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है, चाहे शारदा हो चाहे नारदा हो, नैतिकता के आधार पर तृणमूल कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की जनता उनसे जवाब मांग रही है, और जिस तरह से राज्य की धन संपत्ति में गिरावट आ रही है, एक जमाने में भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट्स होती हैं उसमें बंगाल का हिस्सा 18% था, कम्युनिस्ट आए तब 12.8 रह गया, और अब वो हिस्सा 6.3% रह गया है। मतलब 18% से 6%, 1/3 हो गया है। बैंक की क्रेडिट में भी ऑल इंडिया में बंगाल का जो ऑल इंडिया की एवरेज 9.8 है, उसके सामने बंगाल की रेटिंग 5% रह गई है। मित्रों, ये बहुत चिंताजनक बात है। एफडीआई निवेश में भी 2% से कम निवेश हुआ है। विद्युत की खपत के बारे में, देश की एवरेज खपत 609 यूनिट प्रति व्यक्ति है, देश की एवरेज खपत 957 यूनिट प्रति व्यक्ति है, इसके सामने बंगाल की खपत 609% है। मतलब 609 यूनिट है, मतलब 30% कम है। उत्पादन में भी गिरावट आई है। हर पांचवा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहा है। कृषि विकास दर भी स्थगित हो गया है। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है, और इसके साथ साथ बंगाल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स को टीएमसी ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश इसके खिलाफ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बंगाल में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से आदेश लेने पड़ेंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता सरस्वती पूजन को सरकार रक्षा नहीं दे पाएगी। किस प्रकार से बंगाल सरकार जनता के साथ भेदभाव कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नोटबंदी का विरोध कर बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में अपनी जगहसाई करी है। जाली नोट के कारोबार को रोकने में बंगाल सरकार पूर्णतया विफल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल सरकार विफल रही है। एक जमाना था जब बंगाल उद्योग से लैस था, कल कारखानों से लैस था, आज बंगाल सब प्रकार के कारखाने बंद हो रहे हैं, सिर्फ बम बनाने के कारखाने बंगाल में चालू हो रहे हैं। रविंद्र संगीत जिस बंगाल में गूंजता था, वही बंगाल में अब बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इसके कारण बहुत व्यथित है, आक्रोशित है। मई में जुरामपुरा में
हत्याकांड हुआ, जनवरी 16 में जनसंहार हुआ, अक्टूबर 16 में मदनीपुर में जिस प्रकार की हिंसा हुई उससे पूरा देश चिंतित है, बंगाल की जनता भी चिंतित है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। जहां तक बंगाल के विकास का सवाल है, 13th फाइनेंस कमीशन जो कि यूपीए सरकार के इस कालखंड को समाहित करता है, उसमें बंगाल को 1,03,539 करोड़ रुपया सेंट्रल टैक्स में से शेयर दिया था। और 14th फाइनेंस कमीशन जो नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार के कालखंड को समाहित करता है, उसमें ये आंकड़ा बढ़ाकर 2,89,942 करोड़ तक पहुंचा है। 1,03,000 से 2,89,000 करोड़, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ोतरी इसके अंदर करी है। ग्रांट इन एड्स में 95-20 करोड़ रुपया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।